डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेक होल्डर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मेरा स्टेक होल्डर, हालांकि स्टेक होल्डर एक इंग्लिश का वर्ड होता है जिसको यहाँ पे यूज़ किया गया है, और ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है बेटा। स्टेक होल्डर हम किन्हें कहते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के साथ में कुछ काम करते हैं और फायदे के लिए करते हैं। ठीक है बेटा, अपने इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे बट उनका उसमें कुछ फायदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेक होल्डर्स कहेंगे। दीज आर द पर्सन्स हु वर्क विद इंटरेस्ट फॉर एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? फायदा। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और अपने फायदे के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। देयर आर फोर स्टेक होल्डर्स फॉर फॉरेस्ट। ध्यान देना बेटा, फॉरेस्ट के लिए चार स्टेक होल्डर है। मैंने आपको भी बताया कि स्टेक होल्डर कोई कोई साइंस का कोई एक वर्ड नहीं है बेटा, ये एक इंग्लिश का वर्ड होता है। स्टेक होल्डर आपने भी पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स वगैरह में इसका ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है कि अपने फ़ायदे के लिए। वो फ़ायदा ज़रूरी नहीं है पैसे का ही फ़ायदा हो। भाई हमने फ़ायदा देखा तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसको मनी पर्पस के लिए करना था या किस तरह से करना था। किसी को अपना फ़ायदा मतलब कोई इसके अंदर हम, क्योंकि हम फॉरेस्ट से रिलेटेड करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे चार स्टेक होल्डर्स बताऊँगी फॉरेस्ट के लिए। इनमें से दो स्टेक होल्डर तो ऐसे जो मेनली एंड मेनली पैसे के लिए, और एक जो स्टेक होल्डर होता है वो वहाँ की उसके ऊपर डिपेंड है, उससे उसका मतलब कि नॉर्मल मेंटेन करके रखता है। और एक जो स्टेक होल्डर है वो नेचर से प्यार करता है, वो नेचर को बचाना चाहता है, तो नेचर को बचाने का फ़ायदा देखता है वहाँ पे। ओके बेटा, तो ये चार स्टेक होल्डर। एसेट का मतलब यहाँ पे पैसे से मत समझना बेटा, ये वो पर्सन होते हैं जो काम करते हैं इंटरेस्ट के साथ में और अपने किसी अपना नहीं लिखा मैंने फ़ायदे के लिए। वो फ़ायदा पैसे का भी हो सकता है, वो फ़ायदा अपनी नीड को पूरा करने के लिए भी हो सकता है, और वो फ़ायदा मतलब नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो सकता है। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे चार स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं लोकल पीपल या लोकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम? लोकल पीपल या फिर लोकल्स कहेंगे। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स कहेंगे। थर्ड अगर हम बात की स्टेक होल्डर ओनली फॉर फॉरेस्ट बेटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम बात करेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। एंड फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्टिस्ट, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्टिस्ट। आपने सुना होगा एंथुसियास्टिज्म वर्ड सुना होगा एनर्जेटिक के साथ में। ठीक है, तो ये हमने ये चार हो गए, लोकल या लोकल पीपल्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्टिस्ट। इन्हें स्टेक होल्डर्स फॉर फॉरेस्ट कहा जाता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये लोकल्स या लोकल पीपल है, ये किस तरह से मतलब ये अपना एज अ स्टेक होल्डर किस तरह से है? ये देखो बेटा, लोकल मतलब जो जंगलों के आसपास, जंगल हो गया, जंगलों के पास में कोई लोकल पीपल रहते हैं आसपास, कोई गांव बसा हुआ है, या फिर अगर हम बात करेंगे ट्राइबल्स रहती है, जनजातियाँ रहती है, क्या रहती है? जनजातियाँ रहती है, तो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहती है। क्या रहते हैं? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहती है। अपना फायदा कैसे करती है? वहां से वो फूड लेती है, वहां से क्या करती है अपने पशुओं के लिए चारा लेती है, फॉडर, वहां से वो एज अ फ्यूल वुड लेती है। ठीक है, वहां से वो एज अ थैचिंग के लिए अपने जो झोपड़ियां बनाती है उनके लिए लकड़ियां लेती है, वहां से वो मेडिसिनल पर्पज मेडिसिनल प्लांट लेते हैं बेटा। आगे मेरी बात समझ में? वहां से वो नट्स लेते हैं। ये सारी चीजें मतलब उसके ऊपर डिपेंड है उनका वहां पे जो फायदा, वो क्या क्या चीज है? फूड ले लिया। क्या ले लिया? फूड। भाई आसपास में जो भी वहां पे जो फूड के प्लांट्स होते हैं, वहां पे जो भी फूड होंगे उनको ऑप्टेन करेंगे, या काफी ऐसे होते हैं जो आसपास के क्लीन एरिया होते हैं उसमें अपना एग्रीकल्चर लैंड भी कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो वहां पे हो गए। ये किसी भी तरह फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मेन बात याद रखना। लोकल या लोकल पीपल्स होते हैं फॉरेस्ट को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, ये कभी भी एक पूरे के पूरे प्लांट को या ट्रीज को काटते नहीं कि इसने पूरा का पूरा फॉरेस्ट बैरन कर दिया, वहाँ अपने एग्रीकल्चर लैंड कर रहे, वहाँ बस रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
ये फूड के लिए डिपेंड करते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट से, तो अलग अलग तरह के वहाँ से उनको फूड भी मिलते हैं, फूड्स मिलते रहते हैं, जो भी पत्तियाँ वगैरह ग्रीन वगैरह पत्तियाँ होंगी या कुछ है आपको पता है घास वगैरह होती है, तो एज अ फोडर अपने एनिमल्स के लिए फोडर भी यूज के लिए ले लेते हैं। जो सूखी लकड़ी है टूट जाती है, टहनी होती है टूट जाती है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, कभी भी मैंने कहा ना काटते नहीं है, फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को मेंटेन करने का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो हिमालयन सब हिमालयन रीजन के अंदर जो ये चरवाहे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं फॉग अपने जो ग्रुप होता है एनिमल्स का वहाँ पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जो बड़ी बड़ी घास है तो उनको चर 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 उनकी वो क्या करते हैं जो फोडर में यूज़ किया जाता है, उसके बाद वो मेंटेन कर रही है उसकी ग्रोथ को, क्योंकि वहाँ पे एक बार बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट ने कि कोई भी वहाँ पे नहीं जाएगा, कोई भी चरवाया वहाँ पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो बड़ी बड़ी घास बड़ी बड़ी होने लग गई, तो जो नॉर्थ दूसरी ग्रासेस थी जो दूसरे प्लांट थे उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो वहीं कहीं ना कहीं उनको क्या हो रहा था नुकसान हो रहा था, लेट डाउन हो रही थी, दोबारा से उनको फॉल को दोबारा से भेजा गया ताकि इसको मेंटेन करे। तो ये जरूरी होता है लोकल पीपल अपना पार्टिसिपेशन करते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए, वो फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं लेकिन किसी भी तरह से फॉरेस्ट का से अपना यूज लेते हैं, लेकिन किसी भी तरह वो फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं कुछ लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन भी आपको बताऊंगी। तो हमने क्या अभी फूड के लिए फॉर्डर जो बड़ी बड़ी घास से हो जाते हैं, फिर काफ़ी ऐसे क्रॉप है फॉर्डर, तो ऐसा फॉर्डर के लिए भी यूज़ करते हैं, फ्यूल वुड के लिए जलाने के लिए, बर्निंग के लिए भी, उसे खाना बनाना बर्निंग के लिए, तो आपको पता है भाई जंगल है वहाँ पे कोई टहनी टूट जाती है, कोई सूख जाती है, गिर जाती है, वो सूख जाए तो उसे ले लेते हैं, पत्तियाँ जो सूखी हुई होती है उसे ले लेते हैं, तो उसको किस में यूज़ करते हैं फ्यूल वुड में। थैचिंग जो आपने मेन बैम्बूज के प्लांट्स होते हैं अपनी झोपड़ियाँ बनाने के लिए जो छत सी बनाते हैं उन्हें हम थैचिंग कहते हैं, ठीक है। आपने देखो कभी देखा है बेल होती है अपने उसको लगाने के लिए तो किसका यूज़ करते हैं बेटा, वो मेनली ये वही लकड़ियों का यूज़ करते हैं मेडिसिनल, उन्हें पता है ट्राइबल्स को कि मेडिसिनल प्लांट है, तो उनको जो प्लांट है सबको ये नॉलेज है वहाँ रहने वाले। देखो हम अपने घर में जो बुजुर्ग है तो आपने आसपास बता दिए कि अच्छा वाला प्लांट है तुलसी लगा लो, सबको बताया एक मेडिसिनल, तो इस तरह से वहाँ पे जो प्लांट उनको एज ए मेडिसिनल वैल्यू भी वो यूज़ करते हैं, और जो नट्स वगैरह होते हैं तो उन्हें भी वो क्या करते हैं यूज़ करते हैं, तो लोकल पीपल उसे मेंटेन कर रहे भी, गिर जाते हैं नट्स तो हमें गंदगी फैलेगी, उसे क्लीन कर देते हैं, अपने एनिमल्स को दे देते हैं, खुद खाने के लिए रख लेते हैं, जो टहनियाँ सूखी हुई होती वो नीचे गिरी हुई थी गंदगी फैलाएंगे, इससे अच्छा वो डिकम्पोज होगी, इससे अच्छा उन्हें बर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से घास लंबी लंबी हो जाएगी तो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, तो क्या करते हैं जो उन्हें फॉर्डर की तरह यूज कर लेती है, तो एक तरह से ये लोकल्स क्या कर रहे हैं बेटा, फॉरेस्ट को मेंटेन कर रहे हैं, अपना फायदा लेते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये किसी भी तरह फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे जैसे हमारा देश गुलाम हुआ, ब्रिटिशर्स आ गए, तो उन्होंने क्या किया, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, सबको पता है हमारा देश सोने की, यानी कि सोना बहुत ज़्यादा था, हर तरह से हम डेवलप, हर तरह से हमारे डेवलप कहने में, मतलब आज हम टेक्निक के बारे में बात नहीं करेंगे, हरियाली चारों तरफ थी, दूध दही का खाना था, मतलब इस तरीके से कोई चीज़ नहीं थी, हर लोग स्वस्थ थे, हर लोग अपने आप में संपन्न थे, हर तरह से एनिमल्स फॉल थे, पालने के लिए भेड़ बकरियाँ गाय अबंडेंट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट थी, फॉरेस्ट लार्ज एरिया के अंदर फैला हुआ था अलग अलग की, क्योंकि हमारे इंडिया एक आपको पता है कि वास्ट डाइवर्सिटी एरिया है हमारे यहाँ पे, तो अलग अलग तरह की वैरायटी के प्लांट्स, अलग अलग तरह के मेडिसिनल वैल्यू के, अलग अलग तरह के हमारे यहाँ पे नॉर्मल यूज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स है यहाँ पे, तो जो इंडिया है वो तो फॉरेस्ट के अंदर क्या है, मतलब एक बिग अगर हम बात करेंगे खजाना है फॉरेस्ट का, जहाँ पे अलग अलग तरह के, साउथ में जाओगे अलग तरह के, वेस्ट में जाओगे अलग तरह के, नॉर्थ ईस्ट में हर तरह में अलग 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 तरह के क्या है प्लांट्स हैं, और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्रीज का। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धीरे धीरे लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट को कट करना शुरू किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, हमारा देश आज़ाद हो गया, इंडस्ट्रीज बन चुकी थी, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स की जो पोजीशन थी वो किन्होंने ले ली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, किन्होंने ले ली बेटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, कि मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो अच्छे वाले स्टेक होल्डर्स नहीं है, वो पैसे के लिए
ऑफिसर हम बात नहीं करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं काफ़ी जगह पे। देखो हर तरह के अलग अलग लोग होते हैं, एक फॉरेस्ट ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जो फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं, और काफ़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अच्छे भी नहीं होते हैं। तो ये मेनली उन्हीं के बारे में बात की गई है बेटा। तो जैसे इन्होंने बिल्कुल जो ब्रिटिशर्स गए थे तो उन्हीं को फॉलो किया, वो क्या करते थे उन्हें पता था कि ये रॉ मटीरियल है इंडस्ट्रीज के लिए, यहाँ पे रॉ मटीरियल है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या करना शुरू, लार्ज अमाउंट के अंदर फॉरेस्ट को कट करना शुरू किया, इनका एक्सप्लॉयटेशन किया, इनका क्या किया बेटा एक्सप्लॉयटेशन किया, और वहां पर उन्होंने मोनोकल्चरिंग कर दी। ध्यान देना, उन्होंने पेड़ों को तो लगाया, देखो उन्होंने एक तरह से फॉरेस्ट को तो कट किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसीलिए तो हम क्योंकि गवर्नमेंट के भी अंडर आते हैं। एक चीज ध्यान देना बेटा, इन्होंने क्या किया इमेजिन करना, यहाँ एक फॉरेस्ट है, अलग 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 तरह के सारे प्लांट ग्रो हो रखे, ठीक है। उन्हें पता है इंडस्ट्रीज को जो मेनली प्लांट चाहिए अपने रॉ मटेरियल के लिए, पाइन चाहिए, यूकेलिप्टस चाहिए, बैम्बू के प्लांट चाहिए, ये मेन प्लांट चाहिए, और कौन सी कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि लास्ट ये वाला क्या कर दिया, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने प्लांट तो लगाए क्योंकि सरकार की नजर में तो फॉरेस्ट बना हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया मोनोकल्चरिंग, पूरे के पूरे पाइन के ही प्लांट लगा दिए, फिर पता है कि इंडस्ट्रीज को देंगे हम, उसके बाद हमें फायदा मिलेगा, फिर कट जाएंगे तो उसकी जगह फिर से लगा देते हैं ये वाले प्लांट। तो इन्होंने मोनोकल्चरिंग को किया, और मोनोकल्चरिंग से क्या हार्मफुल हुआ कि जहां पर अलग अलग तरह के पेड़ थे तो हमने डायवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डायवर्सिटी, और इनके ऊपर जो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड थे, वाइल्ड लाइफ जहाँ पे थी, उनकी हैबिटेट भी क्या कर देते हैं हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्या कर देते हैं हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन्होंने मोनोकल्चरिंग अपनाई। तो याद रखना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे के लिए लार्ज अमाउंट के अंदर फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया, बट उन्होंने प्लांटेशन भी किया, लेकिन उन्होंने कैसे प्लांट ग्रो करवाए बेटा, सेम प्लांट। तो याद रखना, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेम टाइप ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग ऑफ सिंगल टाइप ऑफ प्लांट्स, एक ही तरह के प्लांट को ग्रो करवाना उन्हें हम क्या कहेंगे मोनोकल्चरिंग, या तो पाइन जो इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, या यूकेलिप्टस, या अगर हम बात करेंगे बैम्बू के प्लांट, तो इन्होंने मोस्टली ये वाले जो साल का अगर हम बात करेंगे, साल का ट्री फर्नीचर के लिए होता है, तो ये वाले प्लांट को क्या कहें इन्होंने ग्रो किया। और मोनोकल्चर से क्या हार्मफुल हुआ, एक तो हमने क्या कर दी बायोडायवर्सिटी लॉस्ट कर दी, दूसरा जो वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट थी वो भी हम क्या कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आगे मेरी बात समझ बेटा, क्लियर है। तो इन्हें हमने क्या कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हालांकि इन्होंने मेंटेन रख रखा है क्योंकि अंडर गवर्नमेंट, अगर ये सारा एक्सप्लॉइट कर देंगे तो फिर गवर्नमेंट को क्या जवाब देंगे, इनके इंडस्ट्रीज वालों से जान पहचान होती है उसी के अकॉर्डिंग, हर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला नहीं करता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या हो जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब क्या होता है, सबको पता है जो मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो पेपर है रेजिन्स के लिए है, रबड़ बनाते हैं, टैनिन है फाइबर के लिए, सब किसके लिए, किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं ये फॉरेस्ट के ऊपर, अपने रॉ मटेरियल के लिए, अपने रॉ मटेरियल के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं ये मेनली फॉरेस्ट के लिए रहते हैं। तो ये क्या करते हैं गवर्नमेंट से एक एरिया उधार, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तो इंडस्ट्रीज के लिए कर देते हैं, इनकी इनके साथ में साजगार होती है तो अपना कर देते हैं, लेकिन काफी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे होते हैं, इंडस्ट्री वाले ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट जहाँ पे भाई इधर है मान लो वेस्ट बंगाल में है वहां पे उसकी गवर्नमेंट से एक एरिया उधार ले लेती है, रेंट पर ले लेती है, उसके बदले में पैसे दे देते हैं गवर्नमेंट को, रेंट पे ले लेती है कि यहाँ इस एरिया के अंदर पूरे के पूरे साल के ट्रीज है, यहाँ पे यूकेलिप्टस के ट्रीज लगे हुए हैं, इन प्लांट में रेजिन मिलेगा, तो वहां से वो एक पर्टिकुलर एरिया को उधार ले लेती है, उधार मतलब रेंट पे ले लेती है। और जैसे ही ये सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं इंडस्ट्री वाले करते हैं, उन्होंने क्या किया भाई उनका हुआ तो सारा का सारा लार्ज अमाउंट के अंदर उन्होंने प्लांट को कट किया, फिर दूसरी जगह अगर वो खत्म हो गए तो दूसरी जगह पे किराए पे ले लेते हैं। तो उन्होंने ये नहीं किया कि बदले में वहां कोई दूसरा प्लांट ग्रो नहीं करवाया, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं देने के बाद दूसरा प्लांट ग्रो करवा देते हैं, बट इंडस्ट्रियलिस्ट वाले जो होते हैं वो दूसरा ग्रो नहीं करवाते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है, क्या क्या बड़ा सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसने किया है इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया है, क्योंकि उनके हर एक रॉ मटेरियल जिसके ऊपर डिपेंड रहता है
फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, तो लार्ज अमाउंट के अंदर एरिया ले लेते हैं उधार और वहाँ पे क्या करते हैं अपना पर्पज जैसे ही पूरा हुआ दूसरी जगह ले लेंगे और उसके बाद में क्या करते हैं उनका कोई लेना देना नहीं है पहले वाले से कि हमने उसे निकाल दिया तो हम नए प्लांट लगा दे, कुछ भी नहीं करते हैं वो, ठीक है। और फोर्थ अगर मैं बात करूँ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स, तो नेचर से प्यार करते हैं, वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हैं, बताया कि नेचर के बिना कोई भी नहीं, चाहे ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग हमारा बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, रेस्पिरेशन सिस्टम सब काम कर रहा है, बट नेचर में कुछ नहीं रहेगा तो फिर किसका फायदा है। हमने सारे के सारे प्लांट काट कट कर देंगे, जो हमें आज फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है वो हमें कैसे मिलेगी, जो हमारे कितनी भी बॉडी हमारी ठीक है तो हमें वो कहाँ से चीज़ मिलेगी। तो नेचर लविंग होते हैं जिनको पता है कि नेचर के बिना कुछ भी सर्वाइव नहीं करेगा, अरे वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइल्ड लाइफ में ही सारी चीज़ें प्लांट वगैरह एनिमल सब वाइल्ड लाइफ के, अगर ये इम्बैलेंस हो जाएगी, इको सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये जो नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स एनजीओज है, अलग अलग तरह के नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जो क्या करते हैं नेचर के लिए जागरूक है, तो नेचर में जगह जगह पे प्लांट को ग्रो करवाना आप देखते हो, जगह जगह पे क्या करना है बेटा प्लांट्स को कट करने आते हैं तो उनके लिए लड़ाई लड़ना, तो ये काफ़ी चीज़ें वहाँ पे क्या करते हैं बेटा बचाने का काम करते हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स सबसे अच्छे हैं, ये स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं बेटा सबसे अच्छे, इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए, टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह इन्हीं की जो नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स होते हैं उन्हीं के नेतृत्व में किया गया है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बताया कि इस तरह से कम हो रहे हैं जो जरूरी है, तो टाइम टू टाइम अगर आपने देखा है कभी इस तरह से तो वो स्पीच देते रहते हैं नेचर के बारे में सबके बारे में। तो ये हमने क्या बताया बेटा स्टेक होल्डर्स बताए, क्या बताया मैंने स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और मेनली आता है मोनोकल्चर डिफाइंड मोनोकल्चर। तो हमें स्टेक होल्डर क्या करता है, पर्सन हु वर्क विद इंटरेस्ट फॉर एसेट, अपने लाभ के लिए कोई काम करता है अपने इंटरेस्ट के साथ, उसे हम क्या कहेंगे स्टेक होल्डर। चार स्टेक होल्डर हो गए, लोकल पीपल इंटरेस्ट से वहाँ पे रह रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे लेते हैं लेकिन फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुँचा रहे बल्कि एक मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले फायदा, हालांकि उनको गवर्नमेंट से भी पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है ये, लेकिन इन्होंने और अपना क्या क्या इंडस्ट्रियल वालों के साथ गार्ड्स के साथ में मोनोकल्चरिंग करना शुरू कर रखा है वहाँ पे, और एक तरह के प्लांट ग्रो करवा के इंडस्ट्रियल वाले को बेच देते हैं। बट वो क्या करते हैं ना, नुकसान किस तरह से नहीं, हाँ ये तो हैबिटेट तो लॉस हो जाती है मोनोकल्चर से, डाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, बट अगर हम नॉर्मल अगर हम देखें इंडस्ट्रियल वालों के कंपैरिजन में, बट जहाँ पे वो प्लांट को दे रहे तो उसके बदले में वो प्लांट को ग्रो भी कर लें, बट इन्होंने नुकसान तो किया है। इंडस्ट्रियल वाले सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, रॉ मटेरियल हर एक फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो लार्ज अमाउंट के अंदर एरिया गवर्नमेंट से उधार ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, एक्सप्लॉइट किया कोई लेना देना नहीं, दूसरी जगह गए फिर वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया, इस तरह से उन्होंने लार्ज अमाउंट के अंदर फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रखा है। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंड क्या नहीं, इनका कुछ लेना देना पैसे से इनका कोई लेना देना काम नहीं, सिर्फ इन्हें पता है नेचर है तो हम हैं, ठीक है, अनलेस कुछ भी नहीं है। क्लियर बेटा, ये वो लोग हैं नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स, क्लियर है बेटा, इसे याद रखना। इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफाइन मोनोकल्चर कि मोनोकल्चर क्या होता है, और तुमसे इसमें पूछ लेते हैं कि इन जो बिलो कोई भी चार दिया रहेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल होते हैं फॉरेस्ट स्टेक होल्डर वो कौन से होंगे, तो आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या आएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, लोकल पीपल और नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स नुकसान नहीं पहुँचा रहे। ओके बेटा क्लियर।